शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का सीक्वल की रिलीज से पहले सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ जो फिल्म सुर्खियों में बनी हुई है वो है एक्टर सलमान खान की टाइगर 3। अगर दोनों फिल्मों का कंपैरिजन किया जाए तो यही दोनों फिल्में हैं जिनका बस आपस में कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही ए ग्रेड स्टार्स हैं और दोनों ही एक्शन मोड की फिल्में हैं। लेकिन इससे हटकर भी कुछ कारण हैं जिससे दोनों फिल्मों का कंपैरिजन होना बहुत लाजमी है। फिल्म कई मामलों में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोनों फिल्म को गेयटी गैलेक्सी में सुबह 9 बजे दिखाया जाने वाला है, जो की पठान के बाद की फिल्म होगी। जिन लोगों को एक्शन फिल्में बहुत ज्यादा पसंद है उनके लिए पठान 2 और टाइगर 3 एक अच्छी फिल्म चॉइस हो सकती है। पठान 2 में भी पठान की तरह ही भरपूर एक्शन होने वाला है, साथ ही टाइगर 3 भी क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और पहले की फिल्में भी दमदार एक्शन वाली रही है, इसीलिए इस बार भी टाइगर 3 में काफी दमदार एक्शन होगा। और ये इसलिए नहीं कि टाइगर 3 पठान से कॉपी कर रही है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि फैंस स्पाई यूनिवर्स से हमेशा ज्यादा और बेहतर मांगते हैं। फिल्म के लिए शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, सलमान खान ने जुजुत्सु से जापानी मार्शल आर्ट भी सीखा है। जैसे फिल्म पठान के साथ शाहरुख पूरे 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी किए थे और फिल्म के साथ ही शाहरुख खान का 32 साल पुराना एक्शन हीरो बनने का सपना पूरा हुआ था, वैसे ही टाइगर 3 से सलमान खान भी काफी समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। हालांकि उनके अभी हाल ही में रिलीज फिल्म किसी का भाई किसी की जान जो रिलीज हुई, फैंस उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए और ज्यादा कंसीडर भी नहीं किए। जैसे शाहरुख के कैमियोज वाली मूवीज को फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके साथ ही विदेश में पठान की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड बना दिया था। यूएई, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पठान को लेकर काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि टाइगर 3 में भी SRK का कैमियो है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म की भी वही हाइप रहने वाली है। टाइगर 3 की हाइप इस बात को भी देखकर लगाई जा सकती है कि फिल्म में सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के फेस ऑफ पर 35 करोड़ का खर्चा किया गया है। साथ ही पठान 2 के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी होगा कि इसे साइबेरिया में जमी हुई लेक बैकॉल में शूट किया जाएगा, ताकि पठान की तरफ फिल्म का कैनवास बड़ा लगे। उसी के साथ टाइगर भी जर्मनी, मॉरिशस जैसे बड़ी जगहों पर शूट की गई है। जैसे पठान में शाहरुख खान का लुक बेहद अलग नजर आ रहा है, पठान में शाहरुख खान बड़े बड़े बालों में कूल लुक में नजर आ रहे हैं, वैसे टाइगर 3 में सलमान कई अलग अलग लुक्स में दिखेंगे, जिसकी पिक्चर्स पहले भी मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हुई थी। पठान के लिए बॉलीवुड के सितारों को कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे बर्फ पर बाइक चलाने और चलती ट्रेन के ऊपर चलने जैसी ट्रेनिंग इनको दी गई थी। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद वे ये सब कर पाए थे, वैसे ही टाइगर 3 में सलमान और कैटरीना को मार्शल आर्ट बॉम्ब रिफ्यूजिंग की ट्रेनिंग दी गई, जो बड़े पैमाने पर शूटिंग के दौरान दिखने वाली है। इस फिल्म में आपको एक्शन का बेहतरीन डोज मिलने वाला है। कैटरीना कैफ दमदार एक्शन सीन में नजर आने वाली हैं। फिल्म में शाहरुख सलमान से ज्यादा कैटरीना कैफ के एक्शन सीन्स हैं। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन में काफी ज्यादा समय लग गया था, सबसे बड़ा कारण कि सलमान और शाहरुख दोबारा एक साथ दिखने वाले हैं। दोनों ही बड़े बजट पर बन रही है, लेकिन इसके साथ ही पठान का सीक्वल पठान 2 जो वॉर के बाद बनना शुरू होगा उसमें इससे ज्यादा स्टार कास्ट ऐड होगी, तो उसका बजट और कलेक्शन इस फिल्म से ज्यादा हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ टाइगर 3 और पठान ही आपस में फेस ऑफ कर सकती है। आपका इस पर क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।